एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से बैरिया को दहलाने की बड़ी साजिश रची गई थी। ये साजिश उत्तर बिहार के गैंगस्टर किसले सिंह ने रची थी। दुर्गा पूजा में पुलिस की व्यवस्थता देख वारदात को अंजाम देकर इस गिरोह ने फिर से रक्षौल भगाने की योजना बनाई थी। लेकिन अब सर्विलांस सेल और DIU को उसके बैरिया में पहुंचने की सूचना मिली तो नगर DSP राघव दयाल के नेतृत्व में साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस टीम ने छापेमारी कर किसले और उसके दो साथियों को बैरिया के पास जगदम्बा नगर मोहल्ला से दबोच लिया। किसले सिंह अपने गुर्गों के साथ कार्बाइन, रेगुलर पिस्टल और भारी मात्रा में गोलियां लेकर बैरिया पहुंचा था। उसके पास से हथियारों के अलावा 41 मोबाइल भी मिले हैं, जिसका उपयोग पुलिस को चकमा देने और रंगदारी मांगने के लिए कर रहा था। SSP जयंत कांत ने उसकी गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि किसले को उत्तर बिहार से नेपाल तक के व्यवसायी रंगदारी में रुपए दे रहे थे। बाइक चोरी की घटना से अपराध की दुनिया में आए किसले ने 8 वर्षों में अपना संगठित गिरोह बना लिया। उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। वह हथियार का एक बड़ा सप्लायर है। मुजफ्फरपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि दुर्गा पूजा के समय में कुछ अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी अपराध की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई DSP टाउन के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनके पास से 1 देसी कार्बाइन, 1 9mm का पिस्टल, 1 7.65mm का पिस्टल, इसके अलावा 1 देसी कट्टा, 12 मैगजीन और काफ़ी ढेर सारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं। और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से कई घटनाओं में पूर्व से वांछित एवं फरार कुख्यात अपराधी किसले, जो कि कई अन्य राज्यों में एवं कई अन्य जिलों में भी जिसके जो वांछित है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस प्रकार पुलिस को अपराध के रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि भगवानपुर में मुथूट कंपनी की शाखा 2019 में 10 करोड़ रुपए के 33 किलो सोना लूट में भी शामिल था। जगदम्बा नगर से किसले के साथ लक्ष्मी चौक के रहने वाले ऋषभ कुमार और गाय घाट के पकड़ी गांव के गुलशन कुमार को भी दबोचा गया। गुलशन अहियापुर के भिखनपुर में भी किराए का मकान ले रखा था। किसले अपने आवास में ही हथियार बनाता था। पुलिस ने ऐसे गैंगस्टर को पकड़ कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।